नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी ने एफडीआई में बनाया रिकॉर्ड, 5 साल में यूपी ने एफडीआई में 22 राज्यों को पछाड़ा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हुआ शुभारंभ, दूसरी बेटी होने पर भी मिलेंगे 6,000 रूपए। 100% डिजिटल पेमेंट वाले बनेंगे 8 जिले, बड़ी संख्या में हुआ यूपी में बीमा। स्टूडेंट में संस्कृत का बढ़ा क्रेज, साल भर में 1.5 गुना बढ़े संस्कृत संस्थानों में आवेदन। यूपी में शुरू हुई चकबंदी, पहली बार एआई समेत कई मॉडर्न टूल से होंगे यूज। यूपी में लागू होगी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, 83,000 युवाओं को मिलेगा स्कीम का लाभ। पूरे प्रदेश में लागू होगा आलू भंडारण का मोबाइल ऐप, भारत सरकार द्वारा ऐप को ई गवर्नेंस सेवा में गोल्ड मेडल के लिए चुना गया। और अब खबरें विस्तार से। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने साल 2019 से साल 2023 के बीच बीते 17 वर्षों का 4 गुना इन्वेस्टमेंट हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 2000 से 2017 के बीच यूपी में केवल 3,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था, जबकि यही आंकड़ा 2019 से जून 2023 के बीच करीब 11,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 में अब दूसरा बच्चा यानी बेटी होने पर 6,000 रुपए मिलेंगे। पहले केवल पहला बच्चा होने पर 5,000 रुपए दिए जाते थे। भारत सरकार ने बदलाव के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 लागू की है। इसका नया पोर्टल अप्रैल में लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें डेटा शिफ्टिंग का काम अगस्त में पूरा हो गया। कानपुर जनपद में सितंबर से नए पोर्टल की लॉन्चिंग हो गई है। इसके लिए ब्लॉकवार अधिकारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। यूपी के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। सभी 8 जिलों को अलग अलग बैंकों ने गोद लिया है। इसमें फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया और बहराइच शामिल है। आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय इन सभी जिलों की सीधी मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी बीच पीएम सुरक्षा बीमा योजना में प्रदेश के करीब 5 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है। इतनी बड़ी संख्या में बीमा कराने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल पेमेंट के जरिए सरकारी योजनाओं में मिलने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलता है, साथ ही कैश का लेन देन घट कर रियल टाइम वित्तीय लेन देन होता है। यूपी के जिलों को चरणबद्ध रूप से 100% डिजिटल पेमेंट सिस्टम से लैस किया जा रहा है। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के 5वें सत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना से अधिक आवेदन आए हैं। इस साल सिविल सेवा निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश के लिए 1476 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि पिछले वर्ष 960 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। संस्थान ने प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे थे, जो 31 अगस्त तक चली। वहीं 5वें सत्र की प्रवेश परीक्षा 26 और 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके बाद साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं अक्टूबर में 5वें सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने यूपीएससी या राज्य की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 उत्तीर्ण की है, उन्हें सीधा प्रवेश दिया जाएगा। लेते हैं आज की अगली खबर। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के 25 जिलों के 515 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोवर सर्वे जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का यूज किया जा रहा है। आपको बता दें कि चकबंदी वह विधि होती है जिसके जरिए व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में बांटने से रोका जाता है, साथ ही छोटे छोटे खेतों के जरिए बर्बाद होने वाली भूमि को भी बचाया जा सकता है। इसे इस तरह से समझिए कि बड़े खेतों में खेती के मॉडर्न टूल का यूज किया जाना आसान हो जाता है। इसके साथ ही गाँव में जमीनों की सीमाओं से जुड़े विवाद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें भी खत्म होती हैं। लेते हैं आज की अगली खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम योजना को शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इस योजना में डिप्लोमा धारकों के साथ साथ ग्रेजुएट्स को भी अप्रेंटिस बनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग में 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। योजना का प्रचार प्रसार सभी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया जाएगा। योजना के तहत 21 विभागों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निजी संस्थानों की निगरानी की जाएगी। लेते हैं आज की आखिरी और 7वीं खबर। फिरोजाबाद जिले के आलू उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया कोल्ड स्टोर इन्फॉर्मेशन सिस्टम मोबाइल ऐप अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
इस ऐप को भारत सरकार की ओर से ई गवर्नेंस सेवा में गोल्ड मेडल के लिए चुने जाने के बाद बागवानी विभाग ने इसके विस्तार पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें किसानों को सभी बाजारों के भाव भी दिखेंगे, जिसके बेसिस पर वह अच्छे दाम पर आलू की बिक्री कर सकेंगे। इसके जरिए किसानों को मोबाइल पर ही ये पता चल जाता है कि किस कोल्ड स्टोर में आलू रखने का कितना स्थान है। साथ ही भंडारण के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी ऐप से ही हो जाती है। चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश दुनिया के कुछ अहम खबरों पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर एनालिटिक्स द्वारा विकसित मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये विश्व के समुद्री वातावरण में रेत, मिट्टी, गाद, बजरी और चट्टान की ड्रेजिंग गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटर करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने बीते 7 सितंबर को जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व पर मुहर लगा दी है। बीते 4 सितंबर को अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 नैरोबी केन्या में आयोजित हुआ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत आत्मसम्मान विवाह यानी स्वयं रिया थाई या सैर थिरुथा विवाह के लिए सार्वजनिक समारोह या घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।